जलेबी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज हम फटे हुए दूध से रसीली जलेबी बनाएंगे जिसकी टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाएं और ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। ये 1 लीटर फटा हुआ दूध है, पर इसका पानी और छेना पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है, इसलिए अब हम इसे गर्म करके फिर फाड़ेंगे। आधा नींबू का जूस पानी के साथ मिलाकर इसे दूध में डाल लेते हैं और अब छेना अच्छी तरह से अलग हुआ है। अब छलनी में एक साफ कपड़ा रखकर पानी को छेना से अलग कर लेते हैं और अब इसे पानी से वॉश कर लेते हैं ताकि नींबू का खट्टापन निकल जाए। छेना को अच्छी तरह से निचोड़ कर इसे आधे घंटे के लिए हैंग कर लेंगे। अब चाशनी बना लेते हैं। 1 बाउल पानी और 1 बाउल चीनी को उबाल आने देंगे। इसे हमें कोई 1 तारी या 2 तारी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ शहद जैसा स्टिकी होनी चाहिए हमारी चाशनी। इसे अच्छी तरह से उबाल आया है और अब इसे और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। आधा घंटा हो चुका है और अब हम छेने को ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे। स्वाद के लिए 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चुटकी फूड कलर डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा बना है, इसलिए अब हम इसमें 2 चम्मच दूध डालकर वापस ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप डिटेल में इंग्रेडिएंट्स जानना चाहते हैं तो मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। बैटर की इसी तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम कोन बनाएंगे। दूध का प्लास्टिक बैग लिया है, अगर आपके पास पाइपिंग बैग होगा तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम बैग में जलेबी के मिश्रण को भर लेंगे और एक कॉर्नर से काट लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम होने रखा है। तेल गरम होते ही अब हम इसमें जलेबी बनाएंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। यहाँ मैंने सोडा बिल्कुल यूज नहीं किया है, फिर भी हमारी जलेबी बहुत अच्छी तरह से फूली है। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम इसे पकाएंगे और फिर चाशनी में डालेंगे। इसे 2 मिनट चाशनी में रखकर निकालना है। इस तरह से हम सारी जलेबी बना लेंगे। मुझे भरोसा है कि आप बहुत सुंदर जलेबी बना सकते हैं। आप इस जलेबी को एक बार खाएंगे ना तो आपको बार बार दूध फाड़ने का मन करेगा।
अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये जलेबी की टेस्ट आपको नॉर्मल जलेबी से थोड़ी अलग लगेगी, बट ये आपको जरूर पसंद आएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।